नमस्कार मित्रों, कैसे हो? मैर्सी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर दिन की भांति आज फिर हम आपकी क्लास में उपस्थित हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन कथन, तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम हैं। एक बार हम उन्हें पुनः रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमा में रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमा में ना रखकर उसके शब्दों में तो परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हम डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का अवलोकन करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दो प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बाहर वाला वाक्य और अंदर वाला वाक्य दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे मैंने लिखा राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, तो ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है और डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में इनवाइटेड कोमा के बाहर वाला वाक्य और ये अंदर वाला वाक्य दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग कर्ता क्रिया कर्म होते हैं, इसका कर्ता ये क्रिया ये कर्म और इसमें ये कर्ता ये क्रिया, इसमें कर्म नहीं है तो इसकी जगह पे स्थान आ गया, तो ये दोनों स्वतंत्र होते हैं यानी सबके इन दोनों वाक्यों के अलग अलग कर्ता क्रिया कर्म होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए चार प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं। पहला था रूल ऑफ कनेक्टिव, दूसरा था रूल ऑफ पर्सन, तीसरा था रूल ऑफ टेंस और चौथा था अदर। तो कल हमने अध्ययन किया था रूल ऑफ कनेक्टिव का। रूल ऑफ कनेक्टिव में हमने दोनों वाक्यों को जोड़ना सीखा था। कनेक्ट माने जोड़ा, कनेक्ट कहते हैं ना इस तार को, इससे कनेक्ट कर दो मतलब जोड़ दो। तो हमने कल के लेसन में इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के दोनों वाक्यों को जोड़ना सीखा था कि दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। तो मैं फटाफट दोहराना करता हूं कि उसको कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले इनवाइटेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को देखते हैं, यदि इसमें साधारण वाक्य है तो दैट से जोड़ देते हैं, यदि इनवाइटेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य है तो दो प्रकार के होते हैं प्रश्नवाचक, एक डब्ल्यू एच और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाले को एफ या वेदर से जोड़ते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड वाले स्वतः ही जुड़ जाते हैं। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में आज्ञातक वाक्य है तो उसे टू से जोड़ते हैं और यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में आश्चर्यवाची वाक्य है तो उसे डेट से जोड़ते हैं और यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में लेट वाला वाक्य है तो उसे भी डेट से जोड़ते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को भाव के अनुसार बदल देते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है रूल ऑफ पर्सन। तो देखिए रूल ऑफ पर्सन क्या होता है, आज हम रूल ऑफ पर्सन पर चर्चा करेंगे। पर्सन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्सन होता क्या है, पर्सन कहते किसको है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन क्या होगा, पर्सन से क्या तात्पर्य है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। रूल ऑफ पर्सन, यानी पर्सन बदलने के नियम। तो सबसे पहले पर्सन क्या है, पर्सन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पर्सन क्या है।
तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन क्या है, इनवाइटेड कॉमा के इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले राइट में आया हुआ कर्ता एवं समस्त प्रोनाउन पर्सन है। जैसे मैंने लिखा राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर विद योर मदर वेयर वी मीट माई अंकल एंड ड्रिंक एंड ड्रिंक यू समथिंग्स। तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है और हमें बताया कि डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में अब हम पर्सन छांटते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका कर्ता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जो ये एक स्वतंत्र वाक्य होता है और इसके कर्ता क्रियाकर्म अलग होते हैं और ऐसे बाहर वाले वाक्य में भी अलग से कर्ता क्रियाकर्म होता है। तो देखिए आई इसका कर्ता है तो पर्सन है, इसके बाद में देखो योर ये भी पर्सन है, फिर वी ये भी पर्सन है, माई ये भी पर्सन है, यू ये भी पर्सन है, तो ये सब पर्सन कहलाएंगे और इनको बदलने के नियमों को ही हम रूल ऑफ पर्सन कहते हैं। तो देखिए रूल ऑफ पर्सन के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पर्सन क्या है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में आया हुआ कर्ता और उसमें आए हुए समस्त प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। अब हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन क्या है, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं पर्सन की बात कर लूं, आई वी यू दे ही और सी एक दे और पर्सन की पांच फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इधर जगह ना होने के कारण तो मैंने यहां लिख दिया है, वैसे इनको नीचे भी लिखा जा सकता है, इसके नीचे भी आ सकते हैं लेकिन जगह ना होने के कारण मैंने इनको यहां लिखा है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन। हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है, कैसा मैं ही हूं,
आई, तो मैं होता है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है। आपने कहा साहब हमको भी सम्मिलित कर लो, चलो भाई हम भी हैं, तो आई और भी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में कौन है? सेकंड पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन होंगे तो तुम होंगे या तुम्हारे घर वाले, तो सेकंड पर्सन में यू होता है। और थर्ड पर्सन में बाकी के सब आते हैं, दे ही, दे ही सी इट, दे दोबारा आ गया है, यहां लिख देते हैं ही सी इट, दे और किसी का, इस तरीके से ये पर्सन कहलाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई बी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नेम आते हैं। अब इनके पांच रूप होते हैं, आई माई मी माइन और माइसेल्फ, ऐसे वी अवर अवर्स, वी अवर अवर्स और अवर्स है सेल्फ, ऐसे यू योर यू योर्स और योर सेल्फ, और ऐसे ही हिज हिम हिम और हिमसेल्फ, ऐसे सी हर हर हर्स और हर्स है, ऐसे इट इट इट्स और इट्स है, ऐसे दे का देयर देन देन और देन सेल्स, और नेम का नेम नेम नेम। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आई, आई माने मैं, माई माने मेरा, मी माने मुझे, माइन माने मेरे लिए, और माइसेल्फ माने मेरे स्वयं के लिए, वी माने हम, अवर माने हमारा, अवर माने हमें, अवर्स माने हमारे लिए, अवर्सेल्फ माने हमारे स्वयं के लिए, यू माने तुम, योर माने तुम्हारा, यू माने तुम्हें, योर्स माने तुम्हारे लिए, और योरसेल्फ माने तुम्हारे स्वयं के लिए, ही माने वह है, हिज माने उसका, हिम माने उसको, हिम माने उसके लिए, और हिमसेल्फ माने उसके स्वयं के लिए, सी माने वह है, हर माने उसका, हर माने उसको, हर्ष माने उसके लिए, और हर्षेल माने उसके स्वयं के लिए, दे माने वे, देर माने उनका, देम माने उनको, देम माने देम्स माने उनके लिए, और देमसेल माने उनके स्वयं के लिए, और नेम 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 और नेम। तो इस तरीके से प्रोनाउन की पांच फॉर्म होती है। अब देखिए पर्सन बदलने के लिए, पर्सन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र लगाते हैं 123 बटे सम का सूत्र लगाओ। 123 बटे सम क्या होता है, यानी ए का मतलब फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी, अर्थात यदि इनवाइटेड कोमा के अंदर वाले ब्रैकेट में आई वी या इससे संबंधित कोई भी प्रोनाउन, माई मी माइन माइसेल्फ वी अवर अवर्स अवर अवर्स और अवरसेल्फ, यानी फर्स्ट पर्सन में आई वी या इससे संबंधित कोई भी प्रोनाउन आ जावे, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के हिसाब से बदलते हैं, जैसा कर्ता वैसा ही प्रोनाउन यहां कर देते हैं। अब जैसे देखिए यहां फर्स्ट पर्सन है आई, अब ये आई आई आ गए यहां पर, और आई किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम आदमी का नाम है, आदमी है तो ये ही हो गया, तो यहां आई का क्या कर देंगे, ही कर देंगे, और जो एन है एन आई के हिसाब से था, अब यहाँ ही के हिसाब से इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ अभी टेंस रूप भी परिवर्तन करेंगे तो इस बाज में चला जाएगा, वो बाज की बात है, और ये साधारण वाक्य था, तो इसको जोड़ हमने किससे दिया, दैट से जोड़ दिया, जोड़ने का काम, पहला काम जोड़ने का करेंगे, दूसरा काम पर्सन बदलने का करेंगे, तो आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को कर्ता के साथ, अब यहाँ राम की जगह सीता होता तो यहाँ सी कर देंगे, तो यहाँ सी कर देंगे,
यदि यहां दे होता आई की जगह तो फिर यहां आई की जगह दे कर देते, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। जैसे यहां ही होता तो यहां ही कर देते, यहां यू होता तो फिर यहां यू कर देते। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ये कर्ता, ये सेंड टू क्रिया और ये कर्म, कर्म के हिसाब से बदलते हैं सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या है, सेकंड में यू है तो यू या योर, यू योर्स, योर से, अर्थात यू और यू के समस्त प्रोनाउनों को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे ये मान लो यहां केवल ऐसे होता राम सेड, राम सेड भी हो सकता था, तो जब सब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपन उसमें कर्म मान लेंगे, मी मान लेंगे, जो भी आप मान सकते हैं उसे मान लेंगे, राम सेड टू मी मान लेंगे उसको, यदि नहीं दे रखा है तो, और दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां मी दे रखा है। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पर्सन कहां है इसमें, या सेकंड पर्सन योर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। तो अब देखिए योर, तो योर को यू देखिए आप कि प्रोनाउन का कौन सी फॉर्म है, ये यू योर, देखिए फर्स्ट सेकंड यू योर, तो अभी हम आई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आई माई, तो योर का क्या हो जाएगा यहां पे, माई हो जाएगा, इस तरीके से योर का माई कर देंगे, माई मदर। अब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पर्सन इज नो चेंज, और तीसरे पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अब ये यहां पर माई वर्ड हो गया। अब ये देखिए वी कौन सा पर्सन आ गया, वी पर्सन आ गया फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, राम के हिसाब से, लेकिन वी यहां बहुवचन है और राम यहां एक वचन है, तो हम यहां वी की जगह यहां राम का अर्थ ही हो गया, लेकिन ये एक वचन है और ये बहुवचन है, इसलिए वी की जगह हम यहां दे कर देंगे, क्योंकि दे भी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहां राम की जगह हमने क्या कर दिया, ही, और ये बहुवचन होने के कारण इसको हमने क्या कर दिया, दे। और फिर माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे किससे किसके हिसाब से बदलेगा, वही सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो देखिए राम ही है, और माई कौन से नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आई माई, दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ही का दूसरा नंबर देखो ही हिज, तो माई का यहां क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, माई हिज। एंड ब्रिंग यू, अब यू फिर कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से बदलेगा। तो अब ये देखो यू है, अब हमेशा ध्यान रखिए कि यदि वाक्य के बीच में यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव रूप है, यानी करता नहीं है, और यदि पहले पहले आता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो ब्रिंग यू, तो ये यू कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, यू योवर यू, तो देखिए यू योवर यू। अब आई का तीसरा नंबर देख लो, आई माई मी, तो यह यू का क्या हो जाएगा, मी, एंड ब्रिंग मी सम, तो ये हो जाएगा ही इज गोइंग टू जयपुर विद
माई मदर वेयर दे मीट इज अंकल एंड ब्रिंग मी सम थिंग्स। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बदलने का काम, वो पर्सन बदलने का काम करते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं पर्सन बदलने का। देखिए किस तरीके से हम पर्सन बदलेंगे। जैसे देखिए राम सेड आई एम ब्रिंग यू सम गिफ्ट्स। तो सबसे पहले ये देखेंगे, पहला काम है जोड़ने का। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो इसमें साधारण वाक्य, साधारण वाक्य तो किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ता है। अब इसमें दैट से जोड़ दिया, राम सेड, सेड टू होता तो कोल्ड में बदल देते, लेकिन सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। राम सेड दैट आई एम ब्रिंग यू सम गिफ्ट्स। अब इसको देखो, ये पर्सन है और ये भी इसमें क्या है, पर्सन है, प्रोनाउन को पर्सन कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग बर्फ, तो आई को किसके हिसाब से बदलेंगे, राम के हिसाब से, राम करता है तो राम ही है, तो ये आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये एम है ना, तो ये टेंस के हिसाब से इज हो जाएगा। अब ये सेकंड पर्सन है यू, अब यू तो ये करता, ये क्रिया, अब कर्म यहां पर दे नहीं रखा इस वाक्य में, अब कर्म नहीं दे रखा और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब जब कर्म नहीं दे रखा ना, तो यहां कर्म हम मी मान लेंगे। अब हमने मान लिया मी, अब मी मान लिया तो मी का सब्जेक्ट केस क्या होगा, आई। अब आई के हिसाब से ये कौन सी जगह आएगा, मैंने आपको बताया था बीच में यदि यू आ जाए तो वो कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू योवर यू तीसरे नंबर पर है, आई माई मी, तो यू की जगह क्या हो जाएगा यहाँ, मी हो जाएगा। इस तरीके से हम पर्सन बदलते हैं। अगला देखिए और उदाहरण है, जैसे he said to me you are my favorite teacher I want to give a gift। तो देखिए सेकंड पर्सन है, पहले दैट से जुड़ जाएगा साधारण वाक्य, तो दैट से जोड़ देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। अब यू फर्स्ट पर्सन है तो मी के हिसाब से बदलेगा, मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, आर की जगह एम हो जाएगा। अब माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, कर्ता के हिसाब से, ही है यहाँ पर, तो देखिए आई माई, तो ही का दूसरा नंबर ही हिज, तो यहाँ माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज टीचर, आई फर्स्ट पर्सन है किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से, तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इस तरीके से हम पर्सन बदलते हैं। तो मित्रों मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज की क्लास में आपको पर्सन बदलना आ गया होगा। पर्सन बदलने के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कहते किसे है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य के कर्ता और उसमें आए हुए समस्त प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, इनके पांच रूप होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नेम आते हैं। और पर्सन बदलने के लिए 123 बटे सूत्र लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कर्म के हिसाब से और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। आप इसे समझ गए होंगे, निश्चित रूप से ये अध्याय आपको पसंद आया होगा और मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने इसे मन लगाकर समझा होगा तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में महारत हासिल कर लेंगे। कल हम फिर पढ़ते हैं रूल ऑफ टेंस कि इसमें टेंस रूपी परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं, कल फिर इसी समय इसी क्लास में पुनः मुलाकात होगी। और मित्रों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो शीघ्र मिल सके।
मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा साथ रहेंगी और तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।